वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम एक्सप्लोरिंग फ्लोटिंग मार्केट अगेन। पहले भी घूम चुकी हूँ मगर दोबारा आई हूँ क्योंकि आप लोगों को वो व्लॉग बहुत पसंद आया था, तो सोचा आज भी एक्सप्लोर करती हूँ और आपको भी अपने साथ घुमाती हूँ, पूरा बाजार दिखाऊंगी यहाँ का भी। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ लिप्टन चाय पीते हैं। यहाँ पे एक शॉप है, आपको दिखाती हूँ। सो आप अगर आप भी यहाँ पे आएंगे तो आप भी यहाँ से लिप्टन चाय पी सकते हैं। दूसरा, टुडे इज माय बर्थडे, आई एम रियली हैप्पी। तो जिन्होंने अभी तक विश नहीं किया है पहले वो विश कर लीजिए। एंड अगर रैंडमली मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो यही शॉप है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये डल में मिल जाएगी। यहाँ पे फ्लोटिंग बाजार है, तो मैंने अपने लिए लिप्टन चाय की। अगर आप भी कुछ अपने लिए करना चाहते, आप यहाँ से शीर चाय यानी कि नून चाय और लिप्टन चाय भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी मार्केट है ये फ्लोटिंग मार्केट। और यहाँ पे अगर शीर चाय पीनी है, नून चाय पीनी है, लिप्टन चाय पीनी है, वो भी मिल जाएगी। हैंडी क्राफ्ट वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल लेदर एम्पोरियम, इंडियन आर्ट पैलेस और भी बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। मतलब बहुत एक्साइटिंग चीज़ें भी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यही जिस शॉप की मैं बात कर रही हूँ, मतलब जिस शॉप के बारे में मैंने बोला, शॉप नेम यही है वो। जो हमने डल लेक का टूर है वो कर लिया है, फ्लोटिंग बाजार मैंने एक्सप्लोर किया है। अगर आप चाहते हैं इसको और डिटेल में देखना तो मैं जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, सो दैट आप देख पाओ। और अभी मैं आ चुकी हूँ घाट नंबर 19 पे। यहाँ पे फाउंटेन है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बहुत खूबसूरत आती है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आई पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगी। और अगर आप भी कभी आना चाहते हैं, दिस विल बी अ ग्रेट स्पॉट फॉर योर पिक्चर्स, फॉर योर सेल्फ। एंड यहीं से आपको डबल डेकर की बस भी मिलती है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो डबल डेकर जो बस है मैंने यहाँ पे राइड की है, तो यहीं से आपको मिल जाएगी। घाट नंबर 19 आगे है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अपोजिट में बस मिल जाएगी। आप वहाँ से बुक करवा सकते हो, पूरा डल है उसका जो सैर वो कर सकते हैं। और मेरा बर्थडे आज, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस मेरे को मन था यहाँ से डल वाला एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करने का। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो सब मुझसे दूर है, तो बस एक दो दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं गुलमर्ग भी जाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक ये व्लॉग ज़रूर देखना। वो वाला फाउंटेन जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये वाला फाउंटेन आपको मिल जाएगा घाट नंबर 20 के पास में। कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, लोकल गैदरिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और चलो टच वुड आज ज़्यादा रोड पे रश नहीं है, अदरवाइज़ बहुत मिलता है यहाँ पर। जबरबल पार्क, यहाँ पे हॉट बलून वगैरह जो भी है वहाँ यहीं पे मिलता है, और यहाँ पे राइड होती है उसकी भी, वो भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए, तो फाउंटेन के पास मैंने सोचा अच्छा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आके सेल्फीज क्लिक करते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। और बहुत भूख लग रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि ना सिटी मॉल घूम लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी कैफे लिबर्टी। लेट्स जस्ट सी सिटी मॉल में ऐसा स्पेशल क्या। तो अभी आ चुके हैं सिटी मॉल और वी विल एक्सप्लोर दिस मॉल, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुना बहुत इसके बारे में पर कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का, तो फाइनली इस बार मुझे मौका मिला है और देखते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पे। सबसे वियर्ड बात मुझे ये लगी कि जैसे ही अब मॉल में एंटर करते हैं सिक्योरिटी चेकिंग ही नहीं होती है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ मॉल देख रही हूँ कि जहाँ पे चेकिंग ही नहीं हो रही है। और हाँ, ब्रांड्स तो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ब्रांड्स अवेलेबल है। एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी यू नो यूनिक और डिफरेंट। हाँ ठीक है, बेटर भी हो सकता है। इन आई बिलीव थोड़ा और अच्छे से मेंटेनेंस होगी तो और प्यारा हो जाएगा। तो चलो सीधा कैफे लिबर्टी चलते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो मॉल में कुछ घूमने लायक मिला नहीं क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियसली बाहर बहुत इजीली मिल जाती है जम्मू में। सो आई थॉट मैं एक बार देखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, कुछ अगर डिफरेंट मिलेगा देन आई विल बाय इट फॉर माई सेल्फ। सो कुछ डिफरेंट नहीं था, दैट्स वाई मैं वापस आ गई और भूख लग रही। और मैं आगे कैफे लिबर्टी में पहले भी आ चुकी हूँ मदीना के साथ में, जैसे कि आपने वो ब्लॉग देखा, अगर नहीं देखा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, तो आप देख लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ आई हूँ कुछ खाने पीने, लेट्स जस्ट सी व्हाट वी विल ईट, व्हाट वी विल डू, सो लेट्स गो। जो भी बोलो, कैफे लिबर्टी की तो वाइब ही बहुत ही अलग है, बहुत ही एंटीक, बहुत ही यूनिक यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। और मुझे तो ये प्लेस बहुत ही एस्थेटिक लगती है। और हाँ, खाने की बात करूँ तो क्वालिटी वाइज भी अच्छी है।
तो मैं आपको ये जगह थोड़ी और अच्छे से दिखाऊंगी, इंटीरियर्स अच्छे से प्रॉपर दिखाऊंगी। तो मैंने अपने लिए की है कॉफ़ी जो कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने खुद ही बोला उन लोगों को बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, फ्राइज़ भी किए, पिज़्ज़ा भी किया था। तो वो खाते हैं, उसके पहले मैंने सोचा आपसे ये जगह जो है वो शेयर की जाए। अगर आप भी कभी भी आएंगे कश्मीर तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह है गाइस। तो वो था कैफे लिबर्टी और ये है पोलो व्यू मार्केट। शाम हो गई है, कैफे लिबर्टी में खाना पीना हो गया है। बहुत पहले भूख लग रही थी, अभी तो चलो भूख मिट गई है। कॉफ़ी बहुत बेस्ट है, अमेजिंग है कैफे लिबर्टी की, और मैंने थोड़ी स्ट्रॉन्ग करवाई थी। सो अभी मैं वो पोलो व्यू मार्केट के पास, यहीं से अब मैं वापस जा रही हूँ। दिन ख़त्म हो चुका है। आई होप यू गाइज लव वॉचिंग दिस व्लॉग। बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए टूडल्स।